नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकिल टाइम की, टेक टाइम की और लीड टाइम की। तो ये क्या होते हैं और इनको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं साइकिल टाइम की। साइकिल टाइम क्या होता है? एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने में लिया गया समय ही साइकिल टाइम कहलाता है। दोबारा से देखते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने में लिया गया समय ही साइकिल टाइम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इज साइकिल टाइम। अब साइकिल टाइम को इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं कि हमारे एक पीस को बनाने में कितना टाइम लगता है। इससे हम निकाल सकते हैं कि टारगेट हमारे मशीन का कितना होगा। तो इस हिसाब से अगर हम साइकिल टाइम को निकालते हैं, तो अभी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है साइकिल टाइम को निकालने के लिए। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, कि साइकिल टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। साइकिल टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोड्यूस्ड पार्ट, कि आपके एक शिफ्ट में कितने पार्ट बने, टू द प्रोडक्शन रन टाइम। प्रोडक्शन रन टाइम, प्रोडक्शन रन टाइम से मेरा मतलब है अवेलेबल टाइम से, और अवेलेबल टाइम में लंच टी ब्रेक नहीं आते या मेंटेनेंस के जो लॉस होते हैं उनमें नहीं आते। प्रोडक्शन रन टाइम में केवल जितनी देर मशीन चली, जितनी देर मशीन अवेलेबल थी, वही टाइम आता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल की। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि मान लीजिए एक शिफ्ट है, एक शिफ्ट में चल रही है 9 से 5:30 बजे तक, सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक। अभी को टोटल मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, कितने मिनट हो जाएंगे, 510 मिनट। टोटल कितने हो गए, 510 मिनट्स। अब इसमें से आधा घंटा लंच का काट देंगे और 15 15 मिनट के दो टी ब्रेक मान लीजिए काट देते हैं, तो टोटल कितना बच गया, 450 मिनट। तो ये 450 मिनट मैंने यह प्रोडक्शन रन टाइम में ले लिया है, अवेलेबल टाइम में, जितनी देर हमारी मशीन चली। यहां पे मैंने मेंटेनेंस के लॉस को नहीं रखा है। तो और मान लीजिए कि टोटल प्रोड्यूस्ड पार्ट मेरे, मान लेते हैं कि टोटल 900 पार्ट बने, तो 900 पार्ट बने और कितने टाइम में, 450 मिनट में। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरे पास क्या है, ऊपर हो गया पार्ट्स, नीचे हो गया टाइम, ये मिनट में है। लेकिन अब मैं मिनट को यहां पे कन्वर्ट कर लूंगा सेकंड्स में, क्योंकि साइकिल टाइम को मेनली हम सेकंड्स में ही लेते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको सोल्व करूंगा, ये हो जाएगा, अब ये आ रहा है 1/30, मतलब कि एक पार्ट बनता है 30 सेकंड में। तो ये हमारा जो 30 सेकंड आ गया, ये क्या है, ये 30 सेकंड है साइकिल टाइम। 30 सेकंड हमारा साइकिल टाइम निकल कर आ गया है, कि एक पार्ट को बनाने में 30 सेकंड का समय लगेगा। तो ये था दोस्तों साइकिल टाइम। अब बात करते हैं टैक्ट टाइम की। टैक्ट टाइम क्या होता है? तो दोस्तों टैक्ट टाइम को बताता चलूं, कि टैक्ट टाइम होता है कि एक पीस को बनाने के लिए
कितना मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है वो होता है टेक्ट टाइम। एक पीस को बनाने के लिए कितना मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है वो होता है टेक्ट टाइम। इसकी डेफिनेशन होगी द रेट टू विच ए कंपनी नीड्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर डिमांड्स। मतलब कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए किस दर से या किस रेट से कंपनी को प्रोडक्ट को बनाना होगा, यही होता है टेक्ट टाइम। इसका मतलब वही है कि मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है मेरे पास एक पीस को बनाने के लिए। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं टेक्ट टाइम का। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अवेलेबल अवेलेबल मशीन टाइम टू द कस्टमर डिमांड। यहां पे हम एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा अवेलेबल मशीन टाइम पर शिफ्ट, और ये भी हो जाएगा कस्टमर डिमांड पर शिफ्ट। यहां पे भी हम कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कस्टमर कंपनी है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको एक दिन में कितने पीस चाहिए, 1800 पीस चाहिए, किसी एक प्रोडक्ट के 1800 पीस मांगती है। तो जो वेंडर कंपनी है वो चलाती है तीन शिफ्ट, ए बी सी, तीन शिफ्ट चलाती है, तो उसको एक शिफ्ट में कितना पीस बनाना पड़ेगा, 600, इसको तीन से डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब कि 600 पीस पर शिफ्ट की डिमांड आ गई, कस्टमर की डिमांड आ गई कि 600 पीस बनाकर देने हैं। अब ये आ गई कस्टमर की डिमांड 600 पीस। अब अवेलेबल मशीन टाइम, इसमें सेम वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, तो अवेलेबल मशीन टाइम कितना है, 450 मिनट, और ये हो जाएगा कस्टमर की डिमांड कितनी है एक शिफ्ट की 600 पीस। इसको जो हमारा ये मिनट में है अवेलेबल मशीन टाइम, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने को क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई, अभी सेकंड में कन्वर्ट हो गया, इसको क्लियर कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 45 सेकंड। 45 सेकंड आ गया आपका टेक्ट टाइम। और ये 45 सेकंड क्या शो कर रहा है कि एक, ये शो कर रहा है कि एक पीस को बनाने के लिए मैक्सिमम हमारे पास केवल 45 सेकंड का ही समय है। अब बात करते हैं कुछ इक्वेशंस की। जैसे आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में जो हमने साइकिल टाइम निकाला था, वहां पे हमारा साइकिल टाइम कितना निकल कर आ गया था, मान लीजिए 30 सेकंड निकल कर आ गया था, 30 सेकंड, और ये टेक्ट टाइम कितना आ रहा है, 45 सेकंड। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 45 सेकंड टेक्ट टाइम है, मतलब मैक्सिमम टाइम है मेरे पास किसी पीस को बनाने के लिए, और साइकिल टाइम मतलब कि एक पीस को बनाने का समय जो मेरा एक्चुअल आ रहा है वो आ रहा है 30 सेकंड। तो इसका मतलब मैं कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सकता हूं, ये क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं तीन इक्वेशन की, कि अगर हमारा साइकिल टाइम टेक्ट टाइम से ज्यादा ही कम है, मान लीजिए ज्यादा ये कम है, तो क्या होगा, इससे हमारा ओवर प्रोडक्शन होगा, इससे किस तरह की सिचुएशन आएगी, ओवर प्रोडक्शन की, क्योंकि मेरे पास बनाने के लिए 45 सेकंड है लेकिन मैं 30 सेकंड में बना रहा हूं, तो अगर मैं लगातार शिफ्ट चलाता हूं तो उससे हमारा ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा।
और दूसरी कंडीशन आती है कि अगर मान लेते हैं कि टेक्ट टाइम 45 सेकेंड ही है और मुझे मेरा साइकिल टाइम आ रहा है 50 सेकेंड, तो क्या होगा? तो इससे ये ज्यादा आ रहा है 50 सेकेंड, तो इसका मतलब कि मैं ऑर्डर तो कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। इससे क्या होगा, हमारी जो डिलीवरी है वो फेल हो जाएगी। तो ऑर्डर मे फेल, ये नेगेटिव सिचुएशन है क्योंकि इसमें आपका ऑर्डर ही पूरा नहीं बनेगा। अब कि हमारी बेस्ट सिचुएशन कौन सी है, बेस्ट सिचुएशन है कि जब साइकिल टाइम और टेक्ट टाइम बराबर हो, साइकिल टाइम इज इक्वल टू टेक्ट टाइम, तो ये हमारी बेस्ट सिचुएशन है। साइकिल टाइम इज इक्वल टू टेक्ट टाइम को बेस्ट सिचुएशन बताया गया है, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये बेस्ट सिचुएशन मानी गई है। अब बात करते हैं लीड टाइम की, कि लीड टाइम क्या होता है। दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप और भी देख सकें। इस चैनल पर आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। आइए समझते हैं लीड टाइम को। लीड टाइम, इसके लिए हम एक इक्वेशन को एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, उसने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया है, तो उसने मान लीजिए 16 तारीख को, किसी महीने की 16 तारीख को उसने ऑर्डर कर दिया एक पीस को, और अब ऑर्डर करने के बाद उस कंपनी ने उस ऑर्डर को रिसीव कर लिया उसी दिन। रिसीव द ऑर्डर, कंपनी ने ऑर्डर को रिसीव कर लिया। अब 20 तारीख को, उसी महीने की 20 तारीख को क्या हुआ, उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया अपने कस्टमर के पास। डिलीवर्ड द प्रोडक्ट, डिलीवर्ड द प्रोडक्ट, 16 तारीख को कस्टमर ने ऑर्डर किया, और ऐसा माना जाता है कि जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसी टाइम इंस्टेंटली इस ऑर्डर को रिसीव कर लिया जाता है। अब 20 तारीख को क्या किया, कंपनी ने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया, तो ये लीड टाइम आ गया। जो 16 से 20 का जो टाइम है यही है लीड टाइम, 17, 18, 19 और 20, तो 4 दिन आ गए लीड टाइम। लीड टाइम कितना हो गया, 4 दिन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टाइम फ्रॉम रिसीविंग द ऑर्डर टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट कब से कब तक, ऑर्डर के रिसीव करने से लेकर प्रोडक्ट के डिलीवर करने तक का जो टाइम होता है उसको लीड टाइम बोलते हैं। तो दोस्तों ये था साइकिल टाइम, टेक्ट टाइम और लीड टाइम। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।